मध्य प्रदेश और राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। एमपी के भोपाल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्बूरी मैदान में पहुंचे कार्यकर्ताओं में जोश भरा। कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मोदी यानी कि हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जहां जहां कांग्रेस गई उस राज्य को बर्बाद कर दिया। आइए जानते हैं पीएम मोदी के भाषण की बड़ी बातें। पीएम मोदी ने कहा कि ये जनसैलाब, उमंग, उत्साह, महाकुंभ, महासंकल्प बहुत कुछ कहता है। ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश के मन में क्या है। ये दिखाता है कि नई ऊर्जा से भरी हुई भाजपा। ये दिखाता है भाजपा का बुलंद हौसला। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश को देश का दिल कहा जाता है। भाजपा के साथ देश के इस दिल का जुड़ाव कुछ विशेष ही रहा है। भाजपा को मध्य प्रदेश के लोगों ने हमेशा भरपूर आशीर्वाद दिया, ऐसा जनसंघ के जमाने से होता आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश सिर्फ भाजपा के विचारों का ही नहीं, विकास के विजन का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। आज जब देश अमृतकाल की नई विकास यात्रा पर निकला है, तब मध्य प्रदेश की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है। एमपी में भाजपा की सरकार को लगभग 20 साल पूरे हो चुके हैं। जो युवा पहली बार वोट डालेंगे, उन्होंने भाजपा की ही सरकार को देखा है। ये युवा सौभाग्यशाली हैं कि इन्होंने एमपी में कांग्रेस का वो बुरा शासन, बुराइयां नहीं देखी। कांग्रेस ने समर्थ युवाओं वाले मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया। यहाँ के युवाओं ने कांग्रेस के जमाने की खराब कानून व्यवस्था नहीं देखी, सड़कें नहीं देखी, अंधेरे में रहने वाले गांव शहरों को नहीं देखा। एमपी में कांग्रेस के शासन की पहचान थी कुनीति, कुशासन और करोड़ों का करप्शन। पीएम ने कहा कि युवाओं ने चारों तरफ से विकास करता मध्य प्रदेश देखा है और इसीलिए आने वाले चुनाव बहुत अहम है। हमें ध्यान रखना है कि विकास का जो रास्ता एमपी के लोगों ने बनाया है, उस विकास की गाड़ी सड़क से उतरे नहीं, भटके नहीं और अटके भी नहीं। उधर कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान में मौका मिला तो कैसे कांग्रेस वहां सिर्फ बर्बादी लाई, महाराष्ट्र में कैसे कांग्रेस ने गठबंधन में शामिल होकर लूट को ही अपना नंबर एक काम बना दिया। मध्य प्रदेश के विकास के लिए आने वाले कुछ साल बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज पूरी दुनिया से भारत में निवेश आ रहा है, अलग अलग राज्यों में आ रहा है। ये समय भारत और मध्य प्रदेश को विकसित बनाने का है। इतने महत्वपूर्ण समय में अगर कांग्रेस जैसी परिवारवादी पार्टी, हजारों करोड़ों के घोटाले का इतिहास रचने वाली पार्टी, वोट बैंक का तुष्टीकरण करने वाली पार्टी को जरा भी मौका मिल गया तो मध्य प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस विकसित भारत से जुड़े हर प्रोजेक्ट की आलोचना करती है। कांग्रेस ने डिजिटल इंडिया का भी विरोध किया था। आज भारत में रिकॉर्ड डिजिटल लेन देन हो रहा है, लेकिन कांग्रेस को ये भी पसंद नहीं है। भारत कुछ भी उपलब्धि हासिल करे, कांग्रेस को पसंद नहीं आता। बीजेपी बुलेट ट्रेन लेकर आई, भाजपा सरकार ने नया संसद भवन बनाया जिसकी पूरे देश ने प्रशंसा की, लेकिन कांग्रेस ने पहले दिन से ही विरोध करना शुरू कर दिया। ये जंग लगे लोहे की तरह है। आप मुझे बताइए कि देश का नाम रोशन हो तो आपको खुशी होती है या नहीं? देश की इज्जत बढ़े तो खुशी होती है कि नहीं? मान बढ़े तो गौरव होता है कि नहीं? आपको होता है, लेकिन कांग्रेस वालों को नहीं होता, क्योंकि कांग्रेस ना तो खुद बदलना चाहती है और ना ही देश को बदलने देना चाहती है। देश समृद्धि की तरफ बढ़ने के लिए घोर परिश्रम कर रहा है, लेकिन कांग्रेस देश को 20वीं शताब्दी में ले जाना चाहती है। कांग्रेस ने जानबूझकर देश को गरीब रखा, देश के लोगों को रोटी कपड़ा मकान में ही उलझा के रखा। मेरे युवा साथियों, जो मुश्किलें आपके माता पिता से पहले की पीढ़ियों ने झेली, वो अब आपको और आपके बच्चों को ना झेलनी पड़े, इसके लिए भाजपा की डबल इंजन सरकार लगातार काम कर रही है। पीएम ने आगे कहा कि घमंडिया गठबंधन के लोगों ने खट्टे मन से नारी शक्ति बंधन अधिनियम का समर्थन किया है, अब उस पर सवाल उठा रहे हैं। इन्होंने दशकों तक भारी बहुमत से सरकार चलाई, लेकिन कभी भी कानून पारित नहीं कराया, क्योंकि इनकी नियत में ही खोट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कांग्रेस पर जोरदार हमला कर रहे हैं और इस मौके पर भी उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया। अब इस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल, इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।